मोतीलाल सनातनी बाबा जी आपने दो विधियां बता दी जिसे संसार चाहिए वह उनके पास चले जाओ जिन्होंने संसार को कमाया है जिन्हें परमात्मा चाहिए वह उनके पास चले जाओ जिन्होंने परमात्मा कमाया है लेकिन हम कहां जाएं? हमें परमात्मा की आवश्यकता भी है और संसार का अभाव भी हमें कटकता है कर्ज फर्ज भी सर के ऊपर है भागना हम चाहते हैं परमात्मा की अभीक्षा भी भीतर से जगती है तो हम तीसरी तरह के लोग क्या करें मोतीलाल सनातनी हाँ दो तरह के लोगों के बारे में मैंने बता दिया था तीसरी तरह के लोग हैं और तीसरी तरह के लोग सच पूछो तो वह जितनी संख्या में पहली तरह के लोग हैं उससे भी ज्यादा तीसरे तरह के लोग हैं बस मैंने बताया कि निन्यानवे प्रतिशत लोग संसार को ढूंढते हैं क्योंकि तो उन्हें भ्रम है कि संसार में मिल जाएगा और सभी संसार की दौड़ में भागे जा रहे हैं दूसरी तरह के लोग भी हैं संसार तो नहीं चाहिए मांग के खा लेंगे बुद्ध जैसे महावीर जैसे शंकर जैसे सब है जनक जैसे सब है छोड़ के आ गए हैं मिलन वह बहुत कमती लोग होते हैं तो तीसरी तरह के लोग तो आप मान के चलिए के तीसरे तरह के लोग तो बस सौ प्रतिशत ही हैं जिन्हें संसार भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए बस उनमें से प्रतिशत में तो चीज आती ही नहीं शून्य जीरो 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 पता नहीं कितना तो करोड़ों में से कोई एक तो उनकी गणना भी मत कीजिए कितने बुद्ध हैं जिन्होंने भरे साम्राज्य को लात मार दी बहुत कम लोग मिलेंगे कितने महावीर हैं बहुत कम लोग मिलेंगे तो तीसरे तरह के लोग आप ये मान के चलिए सौ प्रतिशत लोग ही हैं, तो हम क्या करें बाबा हाँ। तुम्हारे लिए एक विशेष व्यवस्था है तुम कबीर के पास चले जाओ नानक के पास चले जाओ कृष्ण के पास चले जाओ कृष्ण निष्णा आते हैं इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया सूर्य कला संपूर्ण वह संसार में भी पूर्ण है और अध्यात्म में भी पूर्ण है यह सभी तरह से पूर्ण है उनके पास चले जाओ इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तू मेरी शरण में आ जाओ सभी धर्मों को छोड़ दे तू मेरी शरण में आ जा वो जानते हैं कि करीब करीब लोग सौ प्रतिशत जो चाहते हैं वो मुझसे ही मिलेगा ध्यान से सुनना इस बात को सभी अवतारों में कोई ना कोई कमी रह गई इस दृष्टि से आप पूर्णता ना पाओगे उनमें न बुद्ध में पाओगे न महावीर में पाओगे किसी में नहीं पूर्णता पाओगे सिर्फ पूर्णता पाओगे तो कृष्ण में पाओगे किसी डायमेंशन में ले लो कृष्ण खड़े उतरेंगे वो सफीर के चारों ओर घूम जाते हैं किसी दिशा से भी आवाज दे दो वहीं कृष्ण पाएंगे तो तीसरे तरह के लोग कृष्ण हो जाओ देखिए मैंने जो शब्द प्रयोग किया उसको ध्यान से बसा लेना मैंने ये नहीं कहा कृष्ण की पूजा करो मैंने ये नहीं कहा शुभ शुभ चार पूजा अर्चना आरती वंदन है? मैंने कहा कृष्ण हो जाओ तो बातें होती हैं। ताजमहल को आप टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर भी निहार रोज देखते हो क्या बहुत बार आपने ताजमहल को टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा होगा लेकिन क्या वहां पर ताजमहल था गौर से देख के बताओ समझ के बताओ कि जो टेलीविजन की स्क्रीन के भीतर आपने ताजमहल देखा क्या वो ताजमहल था ताजमहल तो था बिला शक लेकिन ताजमहल नहीं था क्या बत्ते? मतलब मतलब ताजमहल की तस्वीर थी ना ताजमहल के भीतर उसको खंगालोगे तो उसमें संगे मरमर की वो दीवारें ना पाओगे उसके भीतर आप ना जा सकोगे वो जो मकबरा है शाहजहां का और मुमताज महल का वो ना पाओ वो मीनारे ना पाओगे यद्यपि मीनारों की तस्वीरें पाओगे वो बाग बगीचे ना पाओगे वो लगे हुए फूल ना पाओगे वो खंबों के ऊपर चित्रकारी ना पाओगे और सब कुछ देखोगे चित्रकारी भी देखोगे ताजमहल की तस्वीर भी देखोगे मीनारे भी देखोगे सारी आकृति भी देखोगे पूरे का पूरा ढांचा भी देखोगे लेकिन फिर भी ताजमहल कहा देखा आज सारी दुनिया ताजमहल को देखे बैठी है और संतुष्ट है कि उसने ताजमहल देख लिया है बहुत से लोग इस इल्यूजन से ग्रस्त मेरे संपर्क में आते हैं तो कहते बाबा ये तो हो गया ने तो जग गई अब इससे आगे क्या होता है पिछला जन्म तो देख लिया बाबा अब तो दूसरों को पिछला जन्म दिखला रहा हूं स्वर्ग तो देख लिया बाबा मैं मर गई थी स्वर्ग का दर्शन किया यम दूत ले गए यमराज का दर्शन किया धर्मराज का दर्शन किया उसने बड़ी सी पोथी रखी थी मेरे सामने खोली वो सब दर्शन किया तो हो गया पिछला जन्म भी देख लिया बाबा और उससे पिछला जन्म भी देख लिया मैंने ही देखा देवी तुमने तस्वीर में देखा तुमने टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा जैसे तुम किसी गुलशन की बाग बगीचे की तस्वीर निहार लो तो उस तस्वीर के भीतर से खुशबू आएगी खिले फूल तो दिखेंगे बागे बहारा का सारा नजारा आपको दिखेगा लेकिन क्या उस गुलशन की महक का आनंद भी ले पाओ क्या उसकी भीनी भीनी मधुर मधुर सुगंध आपकी नाशापुटो को आनंदित करेगी क्या आप उस बगीचों में जाकर नाचोगे जैसे मोर नाचता है जैसे पंछी कलरव करते हैं उन बाग बगीचों के भीतर चिड़िया चींची करते कोयल कुहू कुहू करती है तो बाग बगीचों की तस्वीर आपने देखी होगी आवाजें भी सुनी होंगी कोयल की कुहू कुहू लेकिन क्या खुशबू भी आई क्या वो शीतल हवाएं भी आपके बदन को छू गईं? क्या वो ठंडी मधोस करने वाली सुगंधित फिजाएं आपके ऊपर बरसे क्या आप नहला दिए गए क्या आप तरोताजा हो गए नहीं कुछ भी ना हुआ बस आज सारा जमाना परमात्मा के दर्शन किए बैठा है तो मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि तुम कहते हो कि पिछला जन्म देख लिया अब तो दूसरों का पीएलआर करती हूं मैं भविष्य की भी जानती हूं मैं पिछले जन्म की भी जानती हूं अब तो लोगों को बता रही हूं तो मैं कहता हूं देवी तुम गलती खा रही तुमने तस्वीर देखी होगी तुमने स्वप्न देखा होगा लेकिन वो मानने को तैयार फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है जब मैं कहता हूं नहीं गए पिछले जन्म में कृष्ण भगवान का एक सूत्र सदा ही याद रखना और मैं सदा ही बोलता हूं अगर कोई कहे मैंने परमात्मा को पा लिया तो उसकी फूल कहे मैं खिल गया मैं गुलाब हूं उसके लक्षण को देख लेना नासापुटों को उसके करीब लाके देखना खुशबू आ रही है अगर प्लास्टिक का होगा तो नहीं आएगा वह तो फिर टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर देखा हुआ गुलाब का फूल हो गया मोतिया चमेली सच में अगर गुलशन में खिला हुआ फूल आपको दिख गया तो वो आपके नासापुतों को महकों से महकाय कर निशानी? है। इसे ही लक्षण कहते मैं कहता हूं देवी तुम्हारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं। पहली बात तो तुम्हारे थोबड़े को देखता हूं तो बारह बजकर पौने चार मिनट वो भी दोपहर का और फिर तुम कहती हो कि मैंने पिछले जन्म देखी और तुम कहती हो मैं स्वर्ग से वापस आ गई मैं मर गई थी और वापस आ गई और मैंने वो सारा दृश्य देखा बिल्कुल देखा होगा बट मियर इट्स सपने में देखा होगा टेलीविजन की स्क्रीन पे ये सब निहारा होगा सत्य में नहीं निहारा होगा तो आइए हम तीसरी विधि की ओर चले तीसरी विधि भगवान कृष्ण की शरण में आ जाओ कबीर की तरह हो जाओ नानक की तरह हो जाओ बुद्ध और महावीर तो दूसरे तरह के लोगों में हैं मैंने आपको पहले भी बताया बुद्ध जैसा तो अभी तुम होना चाहते हो जिस प्रॉपर्टी को छोड़कर बुद्ध घर को त्यागते हैं चोरों की तरह में वैसा अभी तो तुम होना चाहते हो उसको छोड़ दो उसको आइकॉन मत बनाओ मैं तीसरी तरह के व्यक्तियों की बात करता हूं और यह तीसरे तरह के व्यक्ति मैंने कहा करीब करीब सारी दुनिया ही है और यही जंजाल में फंसी हुई है क्यों क्योंकि इसने देख लिया है सब कुछ और देखा कुछ भी नहीं मतलब मान लिया है सब कुछ और गलती से नहीं मान लिया है ये बात भी समझ लेना देखा है लेकिन स्वप्न में देखा है ये दूरदर्शन की तस्वीरों में देखा है भगवान भी देख लिया भगवान की आकृति भी देख ली हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं। किसी मुख में से आग निकल रही है लोग आ जा रहे हैं समा रहे हैं भीतर से आ रहे हैं उसके भीतर समा रहे हैं अलग अलग से चित्र हैं उसके सर के किसी का हनुमान का चित्र लगा किसी को दुर्गा का काली का ओ अपने तो तीस करोड़ देवी देवता है सबके चेहरे मोहरे लगे हैं और तुम कहो कि मैंने देख लिया परमात्मा को परमात्मा के विराटत्व को मैंने निहार लिया हाथ भी मैंने देख लिया इतने हाथ हैं और शस्त्र भी मैंने देख लिए इस हाथ में यह शस्त्र है और इस हाथ में यह शस्त्र है और सवारी भी मैंने देख ली कि किस सवारी के ऊपर आरूढ़ है भगवान विष्णु और गरुड़ भी मैंने देख लिया क्षीर सागर भी मैंने देख लिया शेष नाकी की शैया भी मैंने देख लिया और उसके ऊपर विश्राम करते हुए योग निद्रा में विष्णु भी मैंने देख लिया धाड़त घड़ते हुए ब्रह्मा जी भी मैंने निहार लिया और विध्वंस करते हुए शंकर जी को भी मैंने देख लिया आज सारी दुनिया इन्हीं कल्पनाओं के दर्शन करके अपने आप को कृतकृत समझ रही है ऐसा कृतकृत होते हैं कमाल ताली पीसते हैं थाली पीटते हैं टल्ली बजाते हैं कंटे गड़ियाल बजाते हैं शोरगुल करते हैं जयकारे लगाते हैं लेकिन इनके भीतर क्या है आनंद का वो अतिरेक नहीं है आनंद से इनका भीतर भरा नहीं है ये उस गागर के समान नहीं जो ऊपर तक भर गई हो और छलक रही हो जिसमें एक बूंद और न समा पाए वो गागर नहीं है ये तो गागर है रीति है खाली पहली बात मैंने आपको समझा सारी दुनिया परमात्मा को पा चुकी है लेकिन त्रस्त है दुखी है रोगी भी है कष्ट में भी है तनाव में भी है चिंता युक्त भी है रात को सोती भी नहीं दिन में चैन भी नहीं और कहीं कोई मस्ती का खजाना भीतर से उमड़ नहीं पड़ता कोई झरना आनंद का तुम्हें नहला नहीं जाता कोई मस्ती के सुरूर में तुम डूबे नहीं कोई खुमारी का आनंद तुम्हें आलोकित नहीं कर रहा कहीं झूम नहीं रहे कहीं उस खुशी का आनंद जरा भी तो दिखाई नहीं पड़ता और तुम कहते हो हमने परमात्मा को देख लिया तो फिर यह मात्र तुमने स्वप्न देखा हो बिल्कुल देखा होगा यह टेलीविजन की स्क्रीन पे देख लिया होगा निश्चित लेकिन वो आगे बाहर आना था वो तो खिजाई थी फिजाई न थी तस्वीरें थी और तस्वीरें कभी फिजाएं नहीं हुआ करती तस्वीरें तो खिजाई हुआ करती आज सारी दुनिया इसी भ्रम में है धर्म चाहे कोई भी हो लेवल चाहे कोई भी लगा दो हिंदू का लगा दो मुसलमान का यहूदी का ईसाई का सिख का जैन का बौद्ध का कुछ भी लगा दो लेवल से क्या फर्क पड़ता है भीतर अगर खुशी नहीं है तो बाहर लेवल की चिपकाहट से क्या होता है भीतर आनंद का खजाना तुम्हें पता नहीं चला तो फिर हाथों में चाबियां ली फिरते हो उनका अर्थ क्या है बस तुम्हारे हाथों में सिर्फ चाबियां और ये चाबियां बड़े काम की लेकिन तुम्हें वो पता नहीं लगता खजाना जहां से ये चाबी काम करेगी कहा लगेगी यह चाबी और कहा से खोलेगा खजाने का द्वार यह तुम्हें पता नहीं चलता विज्ञान तंत्र क्या कर ये तो चाबियां हैं और तुम अकेले चाबियों को चूमते फिर रहे हो गले से लगाए अपने जजो पवीत के साथ बांधे ऐसे जैसे बड़ी बहुमूल्य चीज हो बहुमूल्य तो है लेकिन काश तुम्हें खजाने का पता चल जाता वह जो द्वार खुलता है इस चाबी से जगर द्वार ना मिला तुम्हें तो यह चाबी किस काम की भला फिर इस चाबी का मोल क्या यह बड़े काम की थी निश्चित ही काम की थी प्रत्येक धर्म बड़े काम का है और तुम्हारे पास धर्म के नाम के ऊपर चाबियां हैं और बड़ी कीमती और सच में ये खजानों को खोल सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है तुम्हारी कि खजानों का तुम्हें पता नहीं ये चाबी लगेगी कहू वह खजाना गुम हो गया है और तुम चाबियां लिए भटक रहे हो तुम ऐसे भटक गए हो है तुम्हारे पास सब कुछ और फिर भी कुछ नहीं है क्यों क्योंकि बिना चाबी के खजाना खुलता है और चाबी तुम्हारे पास है और खजाने का तुम्हें कोई पता नहीं इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या होगा इस विश्व का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा प्रत्येक के हाथ में चाबी है और चाबी बड़ी कीमती है वो हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है यहूदी है पारसी है ये चाबियां तो बड़ी कीमती हैं। इससे आनंद के खजाने खुलते हैं निश्चित खुलते हैं और ये तुम्हारे पास हैं भी शक और बड़ी कीमती हैं तुम्हारे पास उपनिषद है तुम्हारे पास गीता है तुम्हारे पास कुरान है तुम्हारे पास बाइबिल है तुम्हारे पास धर्म ग्रंथ है है इन चाबियों को लगाए कहां और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इन खजानों की चाबियों को लिए फिरता है और गमंड से चूर है और शास्त्रों में तो बड़ी महिमा लिखी है कि इस चाबी से वो ताले खुलते हैं वो खजाने खुलते हैं जिनके भीतर से खुशी के चश्मे उमड़ पड़ते हैं और उनके भीतर से जो धारा निकलती है अमृत की वो तो अमृत की धारा तले तुम इस स्नान करके आनंदित हो जाते हो और तुम सत्य के भीतर मिल जाते हो तुम समुद्र के भीतर एकाकार हो जाते हो तुम आनंद के सागर बन जाते हो आसपास तुम्हारी खुमारी चारों तरफ से घेरे हुए एक तूफान सा हर तरफ तुम्हें अपनी आगोश में लिए रहता है और तुम बड़े प्रलोभित तो हो जाते हो तुम कहते हो आह ऐसा है हाँ, ऐसा है लेकिन बदकिस्मती तुम चाबियों से इतना चिपक गए और प्रत्येक व्यक्ति इन चाबियों से इतना चिपक गया है कि बस भूल गया है कि ये चाबियां तो एक खजाना तो खुलेगा ये तो सत्य है लेकिन खजाना है कहां वो लॉकर कहां है जिसमें ये चाबी फंसा दी जाएगी और वह लॉकर खुल जाएगा और भीतर भीतर अपार संपदा भरी पड़ी। तुम वो सम्राट हो तुम वो खजाने हो जैसे कोई मालिक अपने घर को बंद करके अपने खजाने को बंद करके बाहर तीर्थ यात्रा पे निकल जाए और उस घर की उस खजाने की चाबी अपनी जेब में रख ले और तीर्थ यात्रा करते 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 वर्षों बीत जाए और फिर भूल जाए कि मेरा घर कौन सा है चाभी तो उसके पास है लेकिन घर भूल जाए तो कैसा लगेगा बस तुम ऐसे ही हो तुम्हें घर भूल गया है तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन से घर को छोड़ के आया था उस घर की चाबी के मालिक भी तुम हो और उस घर के मालिक भी तुम हो लेकिन घर का पता भूल गया बस यही तुम्हारी बदकिस्मती है एल्बर्ट आइंस्टीन कहीं जा रहे थे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे तो किसी टैक्सी वाले को रोका रुक गया कहता भाई मैंने घर जाना है छोड़ दोगे कहता हां बैठिए तो एल्बर्ट आइंस्टीन पीछे बैठ थोड़ी दूर ड्राइवर चला रहा है और थोड़ी दूर के ऊपर जाकर याद आया एल्बर्ट आइंस्टीन को यह सत्य घटना और यह सत्य घटना सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टीन की नहीं यह सत्य घटना तुम सबकी तुम सबकी मतलब संसार में विश्व में जितने भी प्राणी सबके थोड़ी दूर चला तो जा आया एल्बर्ट को अरे यह ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है लेकिन मैंने इसको बताया तो नहीं कि मेरा घर है कहां बात तो बिल्कुल ठीक है घबरा गया घबरा गया ये कहां लेके जाएगा ये तो चलता ही चला जाएगा और लंबी सड़क है कहां से मुड़ना है कहां जाना है कहा मेरा घर है कौन सा मेरा घर है ये तो मैंने बताया ही नहीं और मुश्किलात यह हो गई कि आइंस्टीन अपने घर को भूल गए ये सत्य घटना है आइंस्टीन के जीवन का तो बड़े घबराए सर्दी का दिन और पसीना हो गया ये कहां लेके जाएगा पता नहीं और मैं तो टैक्सी में बैठ गया हूं उसने हमें भी भर लिया बैठ जाओ और यह तो यह चला ही जा रहा है और मैंने इसको कोई पता ठिकाना बताया नहीं अब क्या किया जाए उसने कहा रोको रुक गया अरे भाई भैया मैं मेरा घर भूल गया हूं तो मुझे कहां लेके जाओगे बैठ तो गया हूं जाना अपने घर था लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा घर है कौन सा और कहा है सौभाग्य से ये घटना घटी और सत्य में घटी तो एल्बर्टिन महान विद्वान भौतिकी का वह ड्राइवर से कहता है भाई मुझे उतार दो क्यों क्योंकि तो मुझे घर का नहीं पता कहा लेके जाओगे अब बैठ तो गया हूं तुम अपने पैसे ले लो जितने बनते हैं अब तुम जाओगे कहां तो वह टैक्सी ड्राइवर हंसा वो कहता जी आप बैठ जाओ आपको कौन नहीं जानता आप बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति मैं जानता हूं तुम्हारा घर कहां है तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे घर ही तो जा रहा हूं तो आइंस्टीन ने राहत की सांस ली शुक्र है शुक्र है मेरा घर मैं तो भूल गया लेकिन यह जानता है बस गुरु जानता है तुमने कहा जाना है तुम उसके रथ पर सवार हो जाओ वो तुम्हें ले जाएगा तुम भूल गए हो तो क्या हुआ मत घबराओ गुरु के रथ पे सवार हो जाओ बस गुरु तुम्हें कहता है तुम थक गए हो क्योंकि भूल गए हो और यात्रा कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कहां जाना है तुम चले ही जा रहे हो भागे ही जा रहे हो और तुम अपने घर का पता भूल गया दम ले ले दो घड़ी ये छिया पेगा कहा कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। दम ले कहा दो घड़ी ये छिया आएगा वहा कौन है तेरा बस तुम अज्ञात सवारियों पर बैठ कर वो धन की सवारी है वो पदवी की सवारी है वो मान प्रतिष्ठा की सवारी है वह पदार्थों को इकट्ठा करने की सवारी है वो सुख सुविधा के साधनों की सवारी है मित्र बंधुओं की यारों दोस्तों की रिश्तेदारों की मां बाप भाई बहन की पुत्र पोत्रा थी गलत रथ पे सवार हो गया ये कहीं नहीं लेके जाएंगे तुम भूल गए हो अपने घर का रास्ता यही तुम्हारी दिक्कत है और तुम चेहरा लटकाये मरे मरे से सिकड़े सिकड़े से जरा जीर्ण अवस्था में धीरे धीरे चले जा रहे हो और जाना कहाँ है पता नहीं और मंजिल क्या है पता नहीं घर कहाँ है ये भूल गए हो चाबी तुम्हारे पास है कुरान है उपनिषद है गीता है बाइबल है गुरु ग्रंथ साहब हाँ है सब है और यह चाबियां है विज्ञान तंत्र की 112 चाबियां और फिर तुम क्या करते हो क्योंकि बताने वाला तो कोई है नहीं सभी तुम्हारे जैसे हैं तुम अपनी चाबी निकाल के दिखाते हो और दूसरा अपनी चाबी निकाल के दिखा देता है तुम कहते हो इससे खजाना खुलेगा और खजाने का कोई पता नहीं कहां है ये चाबी लगेगी किसे और फिर मुसलमान कहता है इस चाबी से खजाना खुलेगा खोलेगा लेकिन खजाना कहां है ईसाई कहता है नहीं नहीं इस चाबी से खजाना को तो सभी अपनी अपनी चाबियों को लिए फिरते यहूदी कहते हैं ईसाई कहते हैं हिंदू कहते हैं मुसलमान सिख कहते हैं नहीं नहीं हमारी चाबियों से खुलेगा और तुम चाबियों को सिर के ऊपर ढोए फिरते तुम चाबियों को जेबों के अंदर ऐसे रखे भरते हो जैसे यही खजाना हो खजाना तो यही था निश्चित लेकिन क्या करे कोई जब तुम खजाने का अता पता भूल गए हो यही तुम्हारी दशा है चाबी बिल्कुल है तुम्हारे पास और ये चाबी बिल्कुल सही खजाने को खोलेगी यह लोकर के लगेगी और जट से घुल जाएगा खजाने का आता पता भूल गया कहा जाओगे? फिर तुम, तुम्हें कोई कहता यहीं बैठ जाओ दम ले लो दो घड़ी ये छिया पाएगा कहा वह कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहा ये धन लो ये मंत्री संतरी बन जाओ ये चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ये एक नंबर के धनपति हो जाओ ये मान सम्मान जुटा रो। लो लाखों लोगों लो की भीड़ इकट्ठी कर लो टोरा फुटवा दो बस तुम इसमें उदस के रखो या अपनी चाबियां दूसरों को दिखा दिखा के प्रलोभित करते हो तो मुसलमान को अपनी चाबी दिखाता है मुसलमान सिख सिख ईसाई को ईसाई यहूदी को सभी अपनी अपनी चाबियों को दिखा रहे हैं और इन चाबियों का कुछ मोल नहीं जब तक के खजाने का पता नहीं और वैसे चाबियों का बहुत बड़ा मोल है खजाने का पता भी चल रहा है अवश्य कहते हैं कि तुम ही हो। तो बड़ी मुश्किल खड़ी होगी दत्तात्रेय कहते हैं तुम ही हो उपनिषि कहते हैं तुम ही हो अहम ब्रह्मस्म और मंसूर कहते हैं अनल हक मैं ही परमात्मा हूं लेकिन ये सब चबिया है यह सब पहुंचे हुए व्यक्ति के उद्घोष हैं वो जो पहुंच गया लेकिन उसके पास तो चाबी थी उसने तो खजाना खोल लिया जद लिया पेद कलंदर दा बूहा खुल गया अपने अंदर था, सुख वासी हां उस मंदिर दा जिथे चढ़ती है ना लेंदी है उनके तो कोई चिंता की लकीरें उठती नहीं कोई गिरती नहीं सुखवासी हैं वे तो उस स्थान पर जाकर आपको इतना लुत्फ आता है कि कोई चढ़ती नहीं कुछ उतरती नहीं कोई चिंता नहीं कोई तनाव नहीं कोई चिंतन नहीं कोई मनन नहीं कुछ नाम नहीं कुछ जाप नहीं कुछ करना नहीं कुछ धरना नहीं जगह ऐसी है सुखवासी हां उस मंदिर दा मैं तो उस मंदिर में चले गए जहां पर कोई चिंता की लकीरें चढ़ती नहीं रात की नींद को हराम नहीं करते दिन में कैसे गृहस्थी चलानी है इसका कोई फिक्र आपके दिमाग पर आता नहीं तो मैं वहां पहुंच गया उस तत्व पे पहुंच गया उस तल पर पहुंच गया जहां ना कोई चिंता डुलाती है तुम्हें ना कोई फिक्र तुम्हें अपने में आबद्ध करता है दिन का चैन भी बरकरार रहता है और रात की नींद भी अच्छी आती है रात तारे गुजरते हुए गिनते हुए गुजर नहीं जाते तुम सुबह उठके ये भी नहीं कहते के चांद भी अब नजर नहीं आता चांद भी अब नजर नहीं आता सितारे भी निकलते हैं याद में जा तेरी जाग जा हम रात भर कर बटे बदलते हैं अब ऐसा भी नहीं होता अब तुम बड़े मस्त हो क्यों क्योंकि भेद पा लिया उस भेद उस कलंदर का पा लिया तुम्हे खजाना पता चल गया कहा है और बस पते की बात तो यही है कि खजाना कौन है चाबियां तो तुम्हारे पास है और तुम चाबियों की खोज में कई दरवाजे खटखटा रहे जबकि चाबियां तुम्हारे पास हैं तुम कभी हिंदू से मुसलमान बन जाते हो बस चाबी का आदान प्रदान हो गया कभी मुसलमान से ईसाई बन जाते हो कभी ईसाई से यहूदी और सिख बन जाते हो चाबियां बदलने में दक्ष हो तुम मुसीबत क्या है मुसीबत यह है कि खजाने का कोई पता नहीं और जब खजाने का ही पता ना हो तो चाबियां मात्र लोहे के औजार के सिवा और क्या काम करें चाबियों का कोई औचित्य भी नहीं रहता और चाबियां मूल्यवान भी नहीं रहती वो तुम्हारे पास सबके पास है बस फिर तुम लड़ाई झगड़े फसाद कत्लो कारत नफरत ये शुरू कर देते हैं और नफरत फैलाने वाले लोग तुम्हें भड़का देते हैं कि देखो ये तुम्हारी मानसिक अवस्थाओं को खराब कर देंगे इसके पास जो चाबी है वो नकली है लगती नहीं नहीं किसी के पास चाबी नकली नहीं चाबियां सबके पास असली मुश्किल तो यह है कि तुम्हें खजानों का पता है किस खजाने को लगेगी ये चाबी और कोई भी खजाना खोल लो अपनी चाबी से तुम हैरान हो जाते हो खजाना खुलता है तो द्वार वही पाते हो हिंदू जब खजाना खोलता है मुसलमान जब खजाना खोलता है सिख और ईसाई और यहूदी जब अपना पारसी जब अपना खजाना खोलते हैं तो पाते हैं कि जब अंदर गया तो वही एक नोर पाया इसलिए कोई धर्म नहीं कहता कि खुदा दो है बड़े मजे की बात है जगह जगह के ऊपर खजाने लगे हैं और कोई धर्म नहीं कहता कि ये खजाने कि अगर चाबी लग जाए तो कहीं और ले जाएगा नहीं सभी धर्म कहते हैं कि अगर ये खजाना खोल लिया तो तुम अल्लाह के पास पहुंच जाओगे तुम राम के पास पहुंच जाओगे तुम गॉड के पास पहुंच जाओगे तुम वाहगुरु के पास पहुंच जाओगे लेकिन भीतर जाके देखते हो कि एक ही है तुम उसे नाम अलग से दे दिए थे भला खुशी का कोई नाम होता है आनंद की छलकन मस्ती का गुवार खुमारी का वो आलम इसका कोई नाम होता है शराबों के नाम होते हैं अलग अलग मार्क्स होते हैं लेकिन वो काम क्या करती है वो तुम्हें मस्त कर देती है तुम्हें चिंता मुक्त कर देती है जिथे चढ़ दी है ना लेंदी है थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाते हो सारे दिन भर परेशान रहे जिन दिक्कतों के साथ किसी फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल कर दी किसी राजनीतिक के साम्राज्य में कहीं गड़बड़ हो गई आगजनी हो गई पथराव हो गया तो नींद तुम्हारी बेचैन हो जाती है कुर्सी खिसकती हुई नजर आती है और तुमने कुर्सी को ही सब कुछ समझ रखा ये है यह भ्रांति तुम्हारे भीतर चिपक गई है कि कुर्सी है तो यही खजाना है जो तुमने गलती की है जब तुम खजाने के भीतर खुजा खजाने का दरवाजा खुल जाते हो बूहा खुल गया अपने अंदर का जब तुमने चाबी लगाई वो हिंदू की लगाई मुसलमान की लगाई ईसाई की पादरी किसी की लगाई भीतर तुम पाते हो वही अल्लाह बैठा है वही वाहे गुरु है वही कृष्ण है वही गौड़ है तुमने नाम जुदा जुदा दे दिए अपने लैंग्वेज के हिसाब से जब भी कोई व्यक्ति अपने अंतस में जाता है तो वह क्या होता है जो शराब देती है वही तुम्हें अपने अंतस से मिलता है और तुम उस खुमारी में डूबे डूबे जब बाहर आते हो तो वर्णन कैसे करते हो बताओ अब कोई पंजाबी चला गया तो पंजाबी में वर्णन करेगा बाहर आ। कोई चीनी चला गया तो चीनी में वर्णन करेगा कोई मुसलमान चला गया तो उर्दू में वर्णन करेगा अरबी में वर्णन करेगा फारसी में वर्णन करेगा अंग्रेजी में वर्णन करेगा तुम्हारे वर्णन करने के तरीके अलग अलग हैं लेकिन देख के तो तुम एक ही चीज आए किसने अलग से देखा नजारा नहीं सबने उस आनंद को चखा सबने वो मदवा पी लिया और सबने वो शराब पी ली जिस नशे में मधोश हुए हुए सब झूमने लगे फिर नाम तो उसे कुछ भी दे दो नामों में क्या रखा है और तुम तो नामों से चिपके हो गए तुम तो नामों के ऊपर गालियां निकालते हो तुम तो नामों से इतने चिपक गए हो कि ये देखो शास्त्रों में लिखा है नाम जप, बिल्कुल लिखा है कौन कहता है नहीं लिखा है नहीं नहीं तुमने ये नहीं कहा मुझे जो तो कन्फेशन करना पड़ेगा फिर पहुंचोगे अरे भाई कहां नमाज करने के बिना कहां मिलता है और एक धर्म कहता है कि तुम उसके ऊपर ही छोड़ दो सब कुछ करता ही वो है सारी सृष्टि को चलाता है लेकिन देखिए ये सभी चाबियां हैं तुम्हें खजाने का भी कोई पता नहीं इसलिए इस मुकालते में मत रहने नहीं और तुम सभी से भ्रम में हो और यही तुम्हारा भ्रम है और इसी भ्रम को संत तोड़ता है और तुम इसी भ्रम को टूटने नहीं देते बस यही कसम कश है तुम्हारे और संत के भीतर संत तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है चिपकाहटों को तोड़ता है तुम्हारी रगें टूटती हैं और तुम गालियों की बुछार कर देते हो तुम टिक्का टिप्पणियां शुरू कर देते हो तुम संतों को शराप देते हो संतों को काट देते हो संतों को सलीब दे देते हो संतों को जहर फैला देते हो संतों को गालियां निकालते हो और उसने क्या बिगाड़ा देखिए आप अपने कंपिटेटर को कुछ नहीं कहते अब धन कमाने वाला जो ज्यादा धन कमाता है उसे कुछ नहीं कहेगा धन कमाने वाला संत जो कहता है कि इसे धन में क्या रखा है छोड़ दो इसे यह नकली रस है यह तुम्हारे साथ जाने को नहीं है तो तुम उसके पीछे लग जाते हो उसको पीटते हो कि हमें जगा क्यों दिया हम तो सपना देख रहे थे बड़ा सुंदर था लेकिन तुम अपने कंप्यूटर को जो तुम्हारे बराबर का कंप्यूटर है तुम्हारे बराबर फैक्ट्री लगा के खड़ा हो गया उसको कुछ नहीं कहता तुम्हें भी भ्रम है उसे भी भ्रम है और दोनों ही अपने भ्रम को तोड़ने नहीं देते यही दिक्कत है संत क्या करता है संत यही काम करता है संत कहता है मैं भ्रम को तोड़ूंगा मेरा तो धंधा है मेरा पेशा है कि मैं तुम्हारी इल्यूजन को नष्ट करूं संत कहता है नहीं 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 ये तो किसी राजनीतिक की, की वोटें बटोरने की चाल है भाई राम आएंगे आएंगे ये तो किसी राजनीतिक की चालें हैं और आज सभी धर्मों में ऐसा ही हो रहा है तो मुर्दों को वापस बुलाने की चेष्टा में संलग्न तुम्हें इसकी हकीकत का पता नहीं क्योंकि तो तुमने वो दरवाजा खोला ना बूहा खुल गया अपने अंदर था सुखवासी हां उस मंदिर का तुम अपने मंदिर अलग से निर्मित करते रहते हो हिंदू ने अपना बना लिया सिख ने अपना बना लिया मुसलमान ने अपना बना लिया भेद की दीवारें और गहरी हो गई तुम अपने अपने मंदिर सजा लेते हो और जब कोई संत कहता है अरे मूर्ख हो गए हो तुम पागल हो गए हो क्या वो हुई इन दीवारों के भीतर थोड़ी है लेकिन तुम कौतुक देखने में विश्वास करते हो और वह सबसे बड़ा कौतुक है जो तुम्हारे ही अंदर आसीन है मृग ढूंढा है बन मां तो मंदिरों में ढूंढता कस्तूरी कस्तुरी कुंडल बसा है वह तो तुम्हारे मन में जो मन के अंदर यहीं से तो मंदिर शब्द बना था जो तुम्हारे ही मन के अंदर है कहीं और नहीं जाना है और सभी संत कहते हैं काहे रे बन ढू डन जा सभी संत कहते हैं कहा वनों में ढूंढने जाता है वह तो तुम्हारे भीतर ही समा रहा है सर्वनिवासी सदा अलेपा सर्व निवासी सदा अलेपा तो है संग समा कहे बन खोजन जा लेकिन कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे बना लो भाई वहीं बना लो ये भ्रांतियों की शराब पी पी के जो नशा नहीं कर जो उस खुमारी के भीतर तुम्हें आगोश में जगड़ती न जो तुम्हें आनंद से सराबोर नहीं करती वो नशीली हवाएं जो लहरा की आती वो तुम्हारे दामन को खुशहाल नहीं करती तृप्त नहीं करती ये नकली हैं, और तुम इन मंत्र की चार दुवारियों में कैद हुए हुए खुद के भ्रमों को पालते रहते हो वो मस्जिद हो वो गुरुद्वारा हो गिर घर हो वो चर्च हो और तुम कहते हो ना बस ये तस्वीरों को देखकर आप तृप्त तो होते हो और सच में तृप्त तो नहीं होते इसलिए तुम दुखी हो और रोज मुझसे पूछते हो बाबा मैं दुखी और मैं तो रोज पाठ करता हूँ और मैं तो रोज गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करती हूँ मैं तो रोज सुबह उठ के गीता के अठारवे अध्याय का और पंद्रहवे अध्याय का पाठ करती हूँ मैं तो रोज सुबह उठकर आठ सतियों का नाम लेता हूं सबने अपने अपने वेद की दीवारें मान्यताए मूडताएं भ्रम खड़े कर लिए दिस आर आर एल्यूजन ये सभी ब्रह्म है बैठ जाओ किसी भी चार दारी के भीतर बैठ जाओ किसी को कोई आपत्ति नहीं खोगे तुम अपना चाबी तुम्हारे पास है खजाने को खोल लो कैसे खोलेगा खजाना तो मैंने कहा तुम कृष्ण कह कृष्ण के अर्पित हो जाओ मतलब मतलब अपने ही अंतस में आ जाओ भीतर बैठे हैं कृष्ण राम वो जो रोम रोम में बसा राम वो जो रम रहा आपके भीतर सब में राम रहा प्रभु एको रम जो रमता है वो राम और तुम राम तो हो जो मूर्तियों में कैद है बना राम कभी कैद हुए क्यों जेल करते हो उनको तो बेड़ियों में कभी बंधे हैं वो कभी बेड़ियों से युक्त हुए हैं वो तो वो हैं जो परम स्वतंत्र है और जिनके पास पहुंचने से तुम भी स्वतंत्र हो जाते हो वो तो तुम्हारी भी बेटियां काट देते हैं और फिर तुम अगर जानबूझकर पागल बनोगे तो कोई क्या कर सकता है सब में रम रे हो प्रभु एक को जो रमता है रोम रोम में वो राम ईषावश्य मितम सर्बम जत किंच जगत आम जगत वह राम और तुम कहते हो दीवारों में ये जो हमने बनाया जिसकी हम ओ, जिसकी हम आंखों की पट्टी खोलेंगे और देखो ये शीशा चकनाचूर हो जाएगा सब कुतूहल है कौतुक है बकवास किसी को कोई आनंद नहीं मिलता और अगर आनंद मिलता तो फिर गद्दियों की डिमांड ना होती जिसको आनंद मिल गया वह तो तृप्त हो गया वह तो भर गया पेट उसका मिट गई प्यास उसकी वह फिर गद्दियों की कामना करेगा क्योंकि उसकी भूख ही मिट गई उसकी प्यास ही मिट गई उससे पहले तो तुम सब कुछ कमा लो लेकिन कबीर कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान कितने भी प्रकार के धन है आपके पास हाथी भी हैं कोड़े भी हैं हिरे जवाहरात भी हैं मानी मोती माणिक मणिया भी हैं लाल भी हैं और इनको तुम छाती से चिपकाए फिर रहे हो ये तुम्हारा धन लेकिन कबीर कहते हैं ये धन नहीं है ये तब तक धन है कब तक जब जब तक तुम्हें तो वो परम धन नहीं मिलता तो परम धन कौन सा है तो परम धन है जब आवे संतोख धन जिसको पीकर तुम संतुष्ट हो जाओ तृप्त हो जाओ तुम्हारी आत्मा का रोम रोम तृप्त हो जाए। तुम ठहर जाओ तुम दौड़ समाप्त कर दो जिस घड़ी तुम ठहर जाओ वो परम धन है वो कैसे ठहरोगे ये देखो बस वो ही तुम्हारे लिए परम धन है जब आवे संतोख धन सब धन धूल समान तो फिर या तो कबीर मूर्ख थे या आप मूर्ख हो क्योंकि अगर आपने परम धन पा लिया और तृप्त हो गए फिर क्यों धन देके एड्स लगाते हो लेकिन बढ़िया जवाब है आपके पास कि इससे लोगों को भी तो तृप्त करना है लोगों को धन को जाया करते हो अपने घोड़े में जलपा के अपने चेहरे मोहरों को सजा के लोगों को दिखाना है कि हम विष्णु के अवतार हैं बस इन्हीं एल्यूजन से चिपके चिपके तुम इस संसार में कितने जन्मों से भटक रहे यह जो विष्णु का अवतार अपने आप को घोषित करता है यह भी सुखी नहीं है देखिए अगर सुखी होता तो फिर हाथ में ठूठा उठा के आपसे वोट क्यों मांगता? अगर ये तृप्त हो गया होता जब आप है संतोख धन सब धन धूल समान तो फिर तो गद्दियां भी धूड़ी हो जाती बना बुद्ध छोड़ के चले नहीं जाते बना कबीर ने कभी गद्दियों के लालसा की नानक ने कभी गद्दियों के लालसा की महावीर राजा थे सब छोड़ के नहीं चले गए चौबीस के चौबीस तीर्थंकर जैनियों के सभी राजा थे छोड़ के नहीं चले गए क्यों छोड़ के चले गए गद्दियों में सुख मिला सुख कहीं और है और जिस घड़ी तुम्हें सुख मिल जाएगा सच्चा उस घड़ी तुम ऐसा तृप्त हो जाओगे कि तुम उसके भीतर मगन हो जाओगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धनप राम रतन धन अगर मिल जाए सच में ये मूर्तियों के राम ये तो खुद ही डूब जाएंगे तुम देख ये तुम्हें कहाँ तारने वाले हैं ये तो बेचारे खुद ही डूब जाएंगे पत्थर के लाख प्राण प्रतिष्ठा कर दो लेकिन ये खुद ही डूब जाएंगे पत्थर हैं तुम इन इनसे तरने की भवसागर से पार जाने की इच्छा रखते हो तुम मूर्ख हो इसलिए कबीर कहते हैं जिसको वो परम धन मिल गया उसके लिए सारे धन खजाने ये गद्दियां ये यश ये मान ये सारा ज्ञान सारी सूचनाएं धूल के समान हो जाती है धूल की कोई कीमत होती है बल्कि तुम तो धूल से बचते हो अगर कोई बुहारी निकाल रहा है झाड़ू फेर रहा है तुम उस धूल से बचकर जाते हो तो बस उसी धूल जैसा हो जाता है उसमें नहाते थोड़े ही हो तुम गंदे हो जाओगे नहाना पड़ेगा फिर से जाकर कपड़े बदलने पड़ेंगे जिस घड़ी तुम्हें आनंद मिल गया तुम इन मूर्खों के पीछे मत लग जाना यह आध्यात्मिक लोग नहीं है। यह हैं, यह राजनीतिज्ञ हैं, सांसारिक हैं, और इन्हें अध्यात्म का कुछ अतापता भी नहीं है इनका तो मिशन कुछ और होगा इनका मिशन तुम्हें सही उस रास्ते पर खजाने को बताने का नहीं है जिसकी चाबी तुम्हारे पास है इन चाबियों को आप धरोहर के रूप में रखो और गुरु से खजाना पूछ लो कहां है और खजाना कहां है वो तीसरा तरीका खजाना कहां है वह खजाना यही है कि तुम उसके रथ पर आरूढ़ हो जाओ अपनी सारी तकलीफों को मान्यताओं को उसके हवाले कर दो उसके रथ के ऊपर बैठ जाओ और सारी पोटली जो सर के ऊपर तुमने रखी वो उसके रथ के ऊपर रख दो वो इतना विराट है जो सारे संसार को घुमा रहा है सारी सृजना को जो सटीक घुमा रहा है वो तुम्हारे तुम्हारे जीवन को भी घुमा देगा इतना कमजोर नहीं है उसके लकवा नहीं हुआ रक्षती रक्षिता का काम यहां नहीं चलेगा तुम उसकी रक्षा करना छोड़ दो तुम उसकी रक्षा मत करो तुम धर्म की रक्षा मत करो धर्म को त्याग दो सर्वधर्माण पर में कम शरणों पर मुझकी एक की शरण में आ जा मेरे रथ सवार हो जा और फिर तुम पाओगे तुम्हारे सभी काम ठीक होने लग गए तुम्हारे सभी पाप खत्म होने लग गए तुम दुखों से मुक्ति पाने लग गए तुम्हारा जीवन खुशहालियों से भर गया तुम्हारी झोली खुशियों से भर गई तुम प्रसन्न रहने शुरू हो गए तुम्हारे चेहरों पर की छा गई तुम्हारे चेहरों पर लावण्य आ गया मस्ती का स्वरूफ आनंद से ग्रस्त तुम फिर संसार में तुम कुछ भी कर लेना वो तो सभी पुण्य होगा पाप नहीं आज एक प्रश्न पूछा उड़ीसा की एक पुत्री ने कि यहां जो मैं रहती हूं यह आसपास कर्म कांडी लोग रहते हैं ये कहते हैं बस नियम 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 नियमों के भीतर चलो और मैं फंस जाती हूं मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है तो बाबा ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं बस तुम तो वहां पहुंच जाओ जहां झूठ पहुंचता जहां सत्य का बोल वाला है जहां सिर्फ सत्य ही सत्य है और तुम सत्य हो और अगर वेद के ऋषियों ने कहा असतो मां सतगम है तो बस यही इशारा था कि उस सत्य की ओर पहुंचा दे और असतो इल्यूजन से मुझे मुक्त कर दे सभी भ्रम मेरे तोड़ दे और यह काम कौन करेगा ये गुरु काम करेगा और कृपा करो या तो गुरु की शरण में मत जाओ झूठे झूठे तुम तो मत जाओ उसका तो जानने का कोई फायदा नहीं तुम तो वक्त बर्बाद करोगे सच्चे सच्चे उसकी शरण में चले जाओ और वह तुम्हारी सभी भ्रांतियों को इल्यूजन को नष्ट कर देगा बस तुम उसकी शरण में चले जाओ यह तीसरा मेथड है सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामिकम शरण तुम कृष्ण हो जाओ तुम उसके रथ में सवार हो जाओ और जैसे ही तुम उसके रथ में सवार हुए तुम पाओगे अहम ब्रह्मश्मी मैं ही कृष्ण हूं मैं ही राम मैं ही भगवान हूं खालक खलक खलक मैं खालक लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानेगा तुम्हारा मन कहेगा मैं और भगवान तुम खुद की खिल्ली उड़ाने में बड़े दक्ष हो तुम्हारा मन मानता है अभी तो मैं उसको उसकी जेब को काट के आया और मैं भगवान कहां से हो नहीं तुम भगवान हो जिसकी जेब काट के आए वो भी तुम्हारी जेब थी तुम्हें पता नहीं बस तुम अभी सोए सोए हो तुम अभी मूर्छा में हो जिसकी जेब तुमने काटी वो जेब भी तुम्हारी ही थी और जिसने काटी वो भी तुम ही थे वो भी परमात्मा है जिसकी तुमने जेब काट ली और जिसने काट ली वो भी परमात्मा है तो देखो ये जेब काटने का धंधा मत कर लेना भाई मैं कोई लाइसेंस नहीं दे रहा हूं तुम्हें मैं कहता हूं तुम उस सत्य के पास पहुंच जाओ जहां वेद की दीवारें मैं और तुम की खत्म हो जाती हैं जहां मुक जाता है ये स्याप मैं और का जहां ना कुछ तुम्हारा रहता है ना कुछ दूसरे का रहता है अद्वैत दो नहीं रहता जहां बस एक ही रहता है और वही है सब जगह वही है उसकी शरण में चले जाओ और तुम पाओगे जैसे ही तुम उसके रथ पे परिपूर्णता सवार हुए उस बुढ़िया की तरह मत करना कि रथ के ऊपर आसीन भी हो जाना और अपनी गठड़ी भी सर के ऊपर रखे रहना कि गठरी तो मैं अपने ही सर पर रख भगवान का इतना ही शुक्र गुजार है कि मेरा रास्ता आसान कर दिया मुझे रथ महिया कर दिया नहीं नहीं। रथ भी महिया कर दिया और तुम भार तो फिर भी रथ पे ही पड़ेगा तुम अपनी सारी चिंताओं की गठड़ी को उतारो सब व्याधियों की सब रोगों की सब कष्टों और क्लेशों की गठड़ी को उतारो और जिस रथ पर तुम बैठे हो उसी रथ पर इस गठड़ी को रख दो तुम भार मुक्त हो जाओ क्योंकि भगवान यही चाहते हैं अहम तमाम सर्व पापे भ्यो मुक्ष श्यामी मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा किससे सब प्रकार के भारों से ये भार तुम्हारे बनाए हुए हैं ईश्वर्य प्रदत्त नहीं है ये एल्यूजन जो तुम्हारे ही कमाए हुए बनाए हुए हैं मैंने पिछले प्रवचन में बनाया था कि वो बताया था कि वो अर्पण कर दो जो तुम्हारा बनाया हुआ है जो तुम्हारा कमाया हुआ है वो तो बेशक अपने पास रख लो कोई बात नहीं जो बनाया हुआ है वो अर्पण कर दो और जिस घड़ी जो तुमने बनाया वो अर्पण कर दिया उस घड़ी तुम पाओगे अहम ब्रह्मश अनहक नहीं परमात्मा शिवोहम 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 शिवो अमर आत्मा सचिदानंद में शिवो हम शिवोहम जिसे शस्त्र काट ना अग्नि गलाए न पान नवायु सुकार वही आत्मा सचिदानंद मैं हूँ शिव हम शिव हम शिव हम शिव हम धन्यवाद